हे फ्रेंड्स, लैंसडाउन की अपनी यात्रा के बाद अब मैं आपको ले चल रही हूँ तारकेश्वर सिद्ध पीठ धाम, जो कि लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर गांव में स्थित खूबसूरत देवदार, ओक और पाइन फॉरेस्ट के बीच में स्थित है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही आदर्श स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हम जो भी मांगे वो मुरादें पूरी हो जाती हैं। परंतु मैं तो यहाँ उन्हें धन्यवाद करने आई हूँ जिन्होंने दुनिया के हर कोने को देखने की मेरी इस प्रबल इच्छा को बढ़ावा दिया, मुझे नए रास्ते देकर हमेशा ही मेरा उचित मार्गदर्शन किया। आपको तारकेश्वर धाम की मेरी ये यात्रा कैसी लगी मुझे ये बताना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा बेसब्री से। तैयार हैं आप? मुझे पता था आप जरूर आएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत वृक्ष है, नीले रंग के फूल हैं। लैंसडाउन से तारकेश्वर जाने वक्त मुझे ये वृक्ष मिला और मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं तो इसकी खूबसूरती को जी भर कर अपनी आंखों में कैद करूंगी और मैं वही कर रही हूं। नीले फूल बिल्कुल मेरे नीले कपड़ों की तरह, ये मेरा पसंदीदा रंग है। मैं इसे पहनने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती, तो भला इसे देखने का मौका मैं कैसे छोड़ देती। Well, मैंने तो इसकी खूबसूरती को जी भर कर अपनी आंखों में कैद किया। आप देख सकते हैं ये फूल बरस रहे हैं सड़कों पर मेरे ऊपर, जैसे ये मेरा स्वागत कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इनकी पंखुड़ियां, ये गिर रही हैं। ओह, कमाल है। मेरे नीले फूलों, मैं फिर आऊंगी, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अभी मुझे जाना होगा लेकिन मैं फिर आऊंगी जल्दी। हम तारकेश्वर धाम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। कितना खूबसूरत है ये, अद्भुत नजारा है ये। यहाँ की हवाएं भी बहुत ही शीतल है और मन को सुकून देने वाली है। मुझे तो यहाँ बहुत ताजगी का एहसास हो रहा है। सचमुच प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमें आनंदित करने में। अनोखा है ये सफर, खूबसूरत है मंजिल से भी जमी पिना सही, तो आसमां में आ मिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। आप देखिए कितनी खूबसूरत जर्नी है ये हमारी। अभी मैं आपको मंदिर की तरफ ले जा रही हूँ। नीचे हरी भरी घाटियां और ऊपर घने भरे देवदार के वृक्ष, ऐसे बयां करूं मैं इस जगह की खूबसूरती को। आप बस देखते जाइए, मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं अपनी आंखों से इस जगह की खूबसूरती को आपके दिलों और दिमाग में बिछा दूं। फ्रेंड्स, मैं अभी मंदिर परिसर के बाहर हूँ। यहाँ पहुँचते ही मैं एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी ताजगी का अनुभव कर रही हूँ। सचमुच
ऐसी जगहों पर मैं कभी कुछ मांगने के इरादे से नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है देने वाले ने पहले ही हमें इतना कुछ दे दिया है जिसका 100% हम अपनी पूरी जिंदगी में उपयोग ही नहीं कर पाते। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं, ऐसी जगहों पर तो बस हमें शांत होकर आना चाहिए, बिल्कुल खाली, शून्य होकर। शायद तभी हम यहाँ की ऊर्जा को अपने साथ भर कर ले जा सकते हैं हमेशा के लिए। मैं मंदिर परिसर के अंदर हूँ और उस जगह पर हूँ जहाँ तारकेश्वर महादेव के बारे में उनकी महत्ता लिखी हुई है। तारकेश्वर महादेव लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर एक गांव है और 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। देवदार और पाइन वृक्ष के घने जंगलों से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। शिवरात्रि के दौरान यहाँ एक विशेष पूजा की जाती है। मंदिर समिति यहाँ रहने के लिए आवास भी उपलब्ध कराता है। यह एक पौराणिक महत्व है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तारकेश्वर महादेव से प्रार्थना की थी। अब मैं मंदिर की परिक्रमा करने जा रही हूँ, आप भी मेरी इस परिक्रमा में शामिल हो जाइए। मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप भी उस वक्त वही फील करें जो मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मंदिर की परिक्रमा करके। एक अलग सी शक्ति का आभास हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी परिक्रमा तो पूरी हुई, अब मैं तलाश में हूं किसी ऐसी जगह की जो कि मेरे एडवेंचर के लिए बहुत ही अनुकूल हो, क्योंकि मैं वृक्षों के साथ खेलना बहुत पसंद करती हूँ। मैं वृक्षों से दूर नहीं रह सकती, इनके बिना मेरा गुजारा संभव नहीं है। मैं तो इनके साथ खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, ये मुझे मेरी जड़ों से जोड़े रखते हैं। चलिए आप भी शामिल हो जाइए मेरे इस एडवेंचर में, आपको अच्छा लगेगा। फाइनली मुझे वो चीज मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैं जंगलों में ऐसी ही चीजों की तलाश करती हूँ। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, ये लगभग एक माले की ऊंचाई पर गिरा हुआ है। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है और मैं इसके बीच तक आ चुकी हूँ। देखो, मुझे डराओ मत, मैं पूरी तरीके से इसे पार कर सकती हूँ। कम से कम मैं कोशिश तो कर रही, तुमसे तो ये नहीं होगा। अगर हो सकता है तो ठीक है, कैमरा मुझे दो और तुम आओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुँचा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पैरों को कुछ हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटल तक कौन ले जाएगा? मुझे पता है तुम ये नहीं करोगे। क्या पूरा पार करूं? तुम्हारे मन में क्या है? तुम चाहते क्या हो? अगर मेरे पैरों को कुछ हो गया तो क्या होगा मेरी अगली यात्रा का? तुम मुझे चैलेंज मत करो, ठीक है? कोशिश करती हूं मैं, लेकिन मैं इसे एक चैलेंज की तरह नहीं ले रही, मैं बस इसे एक खेल समझ रही, और खेल में खेल की भावना का होना ही काफी है। ओह, मेरे तो पैर डगमगा रहे हैं और ये वृक्ष भी हिल रहा है। मुझे लगता है मुझे लौट जाना चाहिए।
अरे तुम वापस रखो अपना चैलेंज, नहीं चाहिए मुझे। और इतनी ही हिम्मत है तो तुम आ जाओ, थोड़ी देर के लिए कैमरा मुझे दो, मैं तुम्हें शूट कर लेती हूँ और तुम ये चैलेंज करके दिखाओ। मुझे पता है तुम क्या चाह रहे हो, मुझे तो उतरना है। अब मैं निकल चुकी हूँ अपनी अगली यात्रा की तरफ, आपके लिए प्रकृति के कुछ छुपे हुए खजानों को ढूंढ कर लाने के लिए। मुझसे तो मानो ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ कह रही हो, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, जो खत्म हो किसी जगह ये कोई सिलसिला